अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम 2024 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर पेयरिंग स्कीम 2024। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेयरिंग स्कीम के ज़रिए तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आज जो अभी आप लोगों के पेपर होने वाले हैं, जो होने वाला है कंप्यूटर का, उसमें कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। वो आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह होंगे। कंप्यूटर का तो नहीं, लेकिन हाँ बायोलॉजी हो गई और उसके अलावा कुछ और बुक्स हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग बेस और कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू जो आप लोगों के होंगे, एमसीक्यू ठीक है, वो चैप्टर नंबर पहले चार चैप्टरों से ना आप लोगों के एक एक एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, पहले चार चैप्टरों से आप लोगों के एक एक एमसीक्यूज होंगे, पांचवें चैप्टर से आप लोगों का एक एमसीक्यूज भी नहीं होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों के अगर देखें चैप्टर नंबर 6-7 में से भी एक एक, और चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में से दो दो एमसीक्यूज होंगे। सिर्फ इन दो चैप्टरों में से दो दो एमसीक्यूज होंगे, बाकी तमाम चैप्टरों से एक एक एमसीक्यूज होगा। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पेयरिंग स्कीम असेंट के 100% गारंटी है इसकी, बस आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा, चैप्टर नंबर 2 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे चैप्टर लिखे हुए हैं, तमाम चैप्टरों से पहले मतलब 7 चैप्टरों में से दूसरे और 7वें को छोड़ के बाकी तमाम चैप्टरों से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप लोगों ने 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तो चैप्टर नंबर एट में से बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 14 में से 2। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 8 और 9 आप लोगों के लिए बेहतरीन है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वाले दो अच्छे तरीके से याद करने हैं, चैप्टर नंबर 9 और 8 बेटा अच्छे तरीके से याद करने हैं। चार चार शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इधर से। अगर आप चैप्टर नंबर 14 स्किप भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में से दो दो बेटा। तो इस तरह ये हो जाएंगे। तो बेटा अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो है अटैम्प्ट 1 क्वेश्चन करना होता है फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो चैप्टर नंबर 4 या 6 में से बनेगा बेटा। ये वाला देख लें। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन यहाँ से दूसरे पार्ट से आप लोगों ने कोई से दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 में से। चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो चैप्टर नंबर 8 से होगा और वो थ्योरी होगी, और क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो चैप्टर नंबर 11 से होगा प्रोग्राम, और क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो हमारा चैप्टर नंबर वो 12 से होगा और वो होगा प्रोग्राम बेटा। आप लोगों ने इधर से कोई से दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं बेटा, तो अच्छे तरीके से याद करेंगे। अथेंटिक और अथेंटिक पेयरिंग स्कीम है इंशाल्लाह, इसी में से आएगा स्टूडेंट्स पेपर। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। तो मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।